ऐसे कि मैं अपने हाथों से तुम दोनों को गरम गरम दूध पिलाऊं मान ले जाके और गुरु पाठशाला भेज दूं पढ़ने के लिए। क्या दूध पिलाएगी? हाँ अरे बस। हाँ भैया चलो यार, माँ ने अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाएंगे। क्यों नहीं भैया। अरे बाबा कहाँ है? कहाँ है? महल में है। महल में? हाँ चलिए ना। ठीक है अब चलो। जल्दी सा चल बार बसंत। जितना सुंदर शीत और बसंत का नाम है उससे कहीं ज्यादा सुंदर वो दोनों देखने में है। अब मैं क्या बताऊं, जब से मैं इस महल में आई हूँ, जब से मैं इस महल में अपना पहला कदम रखी हूँ, यानी
जब से मैं अपनी पहली नजर से सीतर बसंत को देखी हूँ तब से मैं सीतर बसंत से प्यार करने लगी हूँ। मैं सीतर बसंत से प्यार करने लगी हूँ और जल्द से जल्द सीतर बसंत से ही शादी करना चाहती हूँ। सेकंड मैरिज नहीं नहीं, आप लोग बताइए मेरी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है? आपका 16 साल, 16-17 वर्ष। और जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसकी उम्र क्या है? 70 वर्ष। 70 वर्ष। हे भगवान, जब मैं सोचती हूँ कहाँ मैं 15-16 वर्ष की और कहाँ वो बुढ़ा 70-75 वर्ष का, मुझे तो शर्म आती है। कितना अच्छा होता अगर वो बुढ़ा मुझसे शादी नहीं करके अपने बेटे सीतर बसंत से करा दिया होता। हाय राम, मैं क्या करूं, मुझे तो बुढ़ा मिल गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या, अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो ये भी नहीं होता है क्योंकि मैं किसी राजा महाराजा की बेटी हूँ। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे पिता को क्या कहेंगे, क्या उपाय करूं? हाँ, एक उपाय है, मैं रहूंगी इसी महल में लेकिन उस बुढ़े से कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगी जिसे मेरी शादी हुई है। मैं सोऊंगी, बैठूंगी, सारी बातें करूंगी सीतर बसंत के साथ। नाम होगा बुढ़े का, काम होगा सीतर बसंत का। ठीक है, अब मेरा तो जी नहीं चाहता है कि मैं अपने नजरों से दूर करूं सीतर बसंत को, लेकिन क्या करूं, राजा का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। मैंने अपने हाथों से सीतर बसंत को गरम गरम दूध पिला दिया है। अब मैं उसे बुलाती हूँ और गुरु पाठशाला भेजती हूँ पढ़ने के लिए। हाल हे जल्दी सा आई बार बाबूआ के लिए। क्यों नहीं माँ? अरे बसर, इसमें बैठ करने का क्या बात है? हाँ, कॉपी कलम कहाँ रखा है? क्या कॉपी कलम? अरे बैग में है। हाँ, और समाट का है ना? सील। हाँ माँ, ठीक है, लेकिन तुम दोनों जा रहे हो पढ़ने के लिए, यहाँ मैं तुम दोनों के लिए क्या खाना बना के रखूंगी? माँ, मेरे लिए मुर्गा बना के रखना। मुर्गा? छी छी छी, मैं मुर्गा नहीं खाती हूँ। क्या हुआ? हाँ, क्यों, मतलब नहीं खाती हूँ, वैष्णव हो तो क्यों, क्या क्या बात है? तब फिर क्या बोलूं? कोई सादा भोजन बताओ। कोई सादा भोजन? हाँ, सकरौरी बना दो। ठीक है, ये बना दूंगी। मेरा भोजन रिटायर हो गया। ये नहीं मिला। हाँ ठीक है, अब मैं जाऊँ क्या? ठीक है माँ, तुम जा। ठीक है, बाय बाय। ओके माँ, माँ बाय। अरे बसर भैया, क्या हुआ? कितना सुंदर माँ है भैया। सुंदर हुआ तो क्या भैया, लग रहा है
फिर से खुशी आ गई भैया। हाँ अपनी।